गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुलमी। आज हमने है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपुस्तक नंबर 103 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है, डेट है इसकी 14 मार्च 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर हम बीमार क्यों पढ़ते हैं उसका रिविज़न करेंगे। आपको पता है रोग शरीर की व्यवस्था है जो शरीर के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न या प्रभावित कर सके। किसी भी रोग के लक्षण उसे निश्चित रूप की उपस्थिति को दर्शाते हैं, यानी अगर आपको कोई बीमारी है तो उसके लक्षण से ही आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी बीमारी है। रोग कुछ कम समय के लिए हो सकते हैं, जैसे सर्दी कम समय के लिए होती है, और कुछ लंबे समय के लिए भी होते हैं, जैसे मधुमेह यानी डायबिटीज़, यानी और कुछ ऐसे भी होते हैं जो खतरा पैदा कर सकते हैं, यानी जो आपकी मौत तक ला सकते हैं, कैंसर की तरह जीवन के प्रति खतरा दिखाने वाले भी हो सकते हैं। एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या खराब हो सकता है, लेकिन उसका रोगग्रस्त या रोगमुक्त होना अन्य कारकों पर ही निर्भर है और इसके लिए सही जांच आवश्यक है। हम सब कहते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है जब शरीर का शरीर या उसकी कार्यप्रणाली में खराबी प्रदर्शित हो, या जब किसी व्यक्ति में कुछ लक्षण जैसे सिरदर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, दांत, दस्त, दौरे आदि नज़र आने लगे। रोगों के सूचक क्या हैं, ये किसी रोग की निश्चित या सटीक जानकारी देते हैं। इन्हें जानने के लिए कुछ जांच जैसे अल्ट्रासाउंड, लैब टेस्ट आदि किए जाते हैं। अब रोगों के लक्षण इस पर निर्भर करते हैं कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। यह सामान्य अथवा विशेष हो सकते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, सिरदर्द, ग्रस्त, दस्त आदि। अब रोगों के विभिन्न कारण हैं। वायरस से हो सकता है, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, कुपोषण से हो सकता है, मोटापे से हो सकता है, आनुवंशिक भिन्नता या पर्यावरण प्रदूषण से, या सही इलाज का प्रभाव या टीका का प्रभाव अभाव, यानी आपने इलाज नहीं करवाया या टीकाकरण नहीं करवाया तो रोग हो सकते हैं। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, रोग को परिभाषित कीजिए। हम कब कह सकते हैं कि एक व्यक्ति रोगग्रस्त है, तो रोग आप यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ से पूरा ये आपका रोग क्या होता है वो लिख लेंगे। देन आप लिखेंगे आगे हम कब कह सकते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है, तो हम लिखेंगे हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति रोगग्रस्त है जब व्यक्ति का शरीर या उसकी कार्यप्रणाली खराब हो सके, जब किसी व्यक्ति में कुछ लक्षण जो सिरदर्द जैसे सिरदर्द, जुकाम आदि नज़र आने लगे तो व्यक्ति रोगग्रस्त है। दूसरा प्रश्न है, क्या स्वस्थ होना रोगमुक्त होना एक ही है, तो स्वस्थ होना और रोगमुक्त होना दोनों अलग अलग हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति रोगमुक्त हो सकता है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि एक रोगमुक्त व्यक्ति स्वस्थ भी हो, यानी स्वस्थ होने के लिए तीनों एक्सपेक्ट होने चाहिए, तीनों उसमें ज़रूरी नहीं कि है। तीसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति के रोगग्रस्त होने के सूचक और लक्षण क्या हो सकते हैं, तो अभी हमने दोनों पढ़े। आपको सबसे पहले इसके सूचक लिखने हैं, ये किसी रोग की निश्चित या सटीक जानकारी देते हैं। इन्हें जानने के लिए कुछ अल्ट्रासाउंड, लैब आदि टेस्ट किए जाते हैं। ये आपका थर्ड में आंसर होगा, और आपको फिर रोगों के लक्षण लिखने हैं, यानी ये दोनों आपको करने हैं। रोग के लक्षण इस पर निर्भर करते हैं कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। ये सामान्य अथवा विशेष हो सकते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, सिरदर्द, तो आप ये दोनों आंसर में लिख लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रोगों के विभिन्न कारक बताइए। तो अभी हमने रोगों के कारण ही पढ़े थे, ये आपके रोगों के कारक या कारण हो सकते हैं। रोग के विभिन्न कारक हैं रोगाणु जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, कुपोषण, मोटापा, आनुवंशिक भिन्नता, पर्यावरण प्रदूषण, हवा, पानी, और सही इलाज का अभाव, टीकाकरण का अभाव, तो ये सारे आपके हो सकते हैं। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज़।